देख रहे हैं अलाइव 24 न्यूज, देश की शान। कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने हाथों को लगातार साबुन से धोएं। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। फिल्म जगत में हर दिन एक नया रिकॉर्ड बनता है, तो वहीं कई रिकॉर्ड्स टूटते भी हैं, लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं जिन पर हमें बहुत गर्व महसूस होता है। इसी तरह का एक रिकॉर्ड बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने भी बनाया है। अक्षय के फैन इस खबर को सुनकर खुशी से उछल भी सकते हैं। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने जहां हाल ही में मिशन मंगल से बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा किया था, तो वहीं अब उन्हें लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। अक्षय ने दुनिया भर के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एक्टर्स की लिस्ट में भी अपनी जगह बना ली है। दरअसल फोर्ब्स द्वारा वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी 2020 लिस्ट में अक्षय की एंट्री हुई है, जहां टॉप 10 की लिस्ट में जगह पाने वाले वो अकेले भारतीय सेलिब्रिटी हैं। आपको बता दें कि अक्षय ने इस लिस्ट में हॉलीवुड एक्टर्स विल स्मिथ और जेनिफर लोपेज जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। बेहद मशहूर सिंगर रिहाना भी अक्षय से पीछे हैं। जून 2019 से मई 2020 के बीच अक्षय की कुल कमाई $48.5 मिलियन यानी कि 365 करोड़ रुपए आंकी गई थी। अक्षय लिस्ट में 52वीं पोजीशन पर हैं। पिछले साल के मुकाबले उनकी स्थिति 19 स्थान नीचे खिसकी है। पिछली दफ़ा अक्षय 33वें पोजीशन पर थे, तब अक्षय की आमदनी 490 करोड़ रुपए बताई गई थी। वहीं फोर्ब्स की सर्वाधिक मेहनताना पाने वाले 10 कलाकारों की सूची में हॉलीवुड स्टार ड्वेन रॉक जॉनसन सबसे ऊपर रहे, जिन्होंने 1 जून 2018 से 1 जून 2019 के बीच $8.94 करोड़ की कमाई की। मार्वल सुपर हीरो यूनिवर्स के अभिनेताओं में एक ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता क्रिस हेम्सवर्थ $7.64 करोड़ की कमाई करने के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। अगर बात करें थॉर की, तो थॉर के स्टार के पीछे कई एवेंजर स्टार जैसे आयरन मैन के रॉबर्ट डाउनी जूनियर तीसरे स्थान पर हैं। रॉकेट स्टार ब्रैडली कूपर छठे स्थान पर, कैप्टन अमेरिका के क्रिस इवांस 8वें स्थान पर और एंट मैन के पॉल रूड 9वें स्थान पर रहे हैं। फोर्ब्स के साथ बातचीत में अक्षय कुमार ने कहा कि मैं 10 करोड़ रुपये कमाना चाहता था। मैं आखिरकार इंसान हूँ। जब मैंने 10 करोड़ कमा लिए तो सोचा 100 करोड़ क्यों नहीं कमा सकता। ईमानदारी से कहूँ तो इसके बाद मैं रुका नहीं। कम ही लोग जानते हैं कि अक्षय कुमार में हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री सालों से दिलचस्पी दिखा रही है, मगर अक्षय बचते रहे। अब वो अमेज़न प्राइम की फिल्म द एंड से डिजिटल वर्ल्ड में डेब्यू करने वाले हैं। अक्षय की लिस्ट में शामिल होने की ये भी एक वजह है। अक्षय ने कहा कि आपको वक्त के साथ बदलना पड़ता है, स्क्रीन प्ले से लेकर स्क्रिप्ट और तकनीक तक, शूटिंग करने के तरीके, दर्शक सब बदल जाते हैं। मेरे चेक पर जीरो की संख्या भी बदल गई है, सब कुछ बदल गया है। अक्षय ने इस साल कोरोना वायरस प्रकोप में राहत कार्यों के लिए बड़ा योगदान किया। उन्होंने पीएम केयर फंड को 25 करोड़ दान दिए। ऐसा करने वाले वो पहले बॉलीवुड सेलिब्रिटी थे। ये जानकारी इकट्ठा करी थी जीशान हाशमी ने। एंटरटेनमेंट जगत की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।